नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गौरव चौधरी के बहुत ही नए फ्रेश कमाल एपिसोड में। तो यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे मैं हूं फिलहाल विराट के साथ और हम काफी मजा कर रहे हैं और यहां पे मजा आ रहा है हमको शूट करते हुए, जो कि आप देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड में। लेकिन विराट, उससे पहले सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द अमेजिंग विन एंड आपके अपने रिकॉर्ड के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द अपकमिंग गेम्स एंड आई एम श्योर ऑल द बेस्ट पूरे देश का आपके साथ में है। दैट्स द रीजन आई थिंक टीम इंडिया इज परफॉर्मिंग एवरी डे लाइक यू नो टू द बेस्ट। थैंक यू। अभी लेकिन ये वीडियो दोस्तों मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ही कम है, लेकिन आई एम श्योर कि आप ये बात सुनना चाहेंगे, बिकॉज आप जो व्यूअर्स हैं वो सब मेरी बातें सुनते हैं लेकिन मेरे में इतना शायद इन्फ्लुएंस करने की ताकत नहीं जितनी विराट में है। तो विराट, यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स हैं ना, सबके सब एकदम लाइक 15 से लेके 25 साल के बीच के हैं, एंड आई एम श्योर दैट वॉज द टाइम लाइक मे बी उससे भी शायद पहले जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया एंड यू वर लाइक फोकस्ड ऑन वन थिंग। तो आपका क्या मैसेज होगा जो ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए? मैसेज सबके लिए एक ही है, आपको सब टेक्निकल चीज़ों पे जो गैजेट्स हैं सब पे आपको रिव्यूज़ मिलते हैं, यूज़ करिए, उसका फ़ायदा उठाइए, उसको पॉजिटिव चीज़ के लिए यूज़ करिए। सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, बहुत एक्सेस है उसका, अच्छी चीज़ के लिए यूज़ करिए और सोच अच्छी रखिए। आपके गैजेट्स माइंडसेट अच्छे रखिए, आपके गैजेट्स आपको एक्सेस देते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, बट एक पॉजिटिव माइंडसेट से दुनिया की तरफ देखिए, नेगेटिव नहीं, ट्रोलिंग, मजाक उड़ाना लोगों का, इन चीज़ों पे फीड ना करिए। और आप पॉजिटिव सोच रखेंगे तो आपको वापस रिवॉर्ड उतना ही बड़ा मिलेगा, सब पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल। आप अपने फ़ोन को ऑन लाइक एवरेज दिन में कितना यूज़ करते हैं? जब बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो 1 घंटा 1.5 घंटा, और वो भी बिट्स में। सबसे ज़्यादा ऐप कौन सी यूज़ करते हैं? सबसे ज़्यादा ऐप मैं यूज़ करता हूँ यूट्यूब, क्योंकि मैं गाने सुनता हूँ। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन अबाउट 18 कम्यून। जी, क्योंकि मैं दोस्तों वहां पे गया हूँ, इफ यू डोंट नो एरो सिटी में वर्ल्ड मार्क 2 में है जी, एंड वहां पे मजे की बात कि विराट का जो रेस्टोरेंट है उसमें एक स्पेशल पेज है विराट के स्पेशल मेन्यू के लिए। हाँ जी। और मैंने वहां पे दो चीजें ट्राई की थी और मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। आई एम श्योर आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ता है अपनी डाइट पे और लाइक फिटनेस वगैरह मेंटेन करने के लिए। उन्होंने काफी मेरे लिए सामान रखा हुआ है, बट जिसको नहीं कंट्रोल करना उसके लिए भी बहुत कुछ है, तो ऐसा मत सोच के जाना कि कुछ खाने को नहीं मिलेगा, जाओ और खाओ, दबा के खाओ, कोई चक्कर नहीं। मैं ट्राई करता हूँ, अगर आपको आगे किसी ब्लॉग में दिखा पाता हूँ 18 कम्यून, मतलब मेरे को काफी पसंद आया, मैंने शूट नहीं किया था जी, मे बी नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल, जरूर जाओ, अभी चले जाओ फ्लाइट लेके, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, इतना भी नहीं। आगे मैं आपसे बात करता हूँ बाद में, लेकिन वीडियो दोस्तों आने वाला है, मेरा हाथ दुख रहा है एक्चुअली, बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू कि एक बार लगातार कट करूं, बट थैंक्स फॉर बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया बात करके और बहुत हमने कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कस किया है जो आप लोगों को समझ आएगा, पता चलेगा, बहुत एक्साइटिंग। 2000 years later. तो दोस्तों ऐसा कुछ था सीन विराट भाई के साथ में, मतलब बहुत ज्यादा दोस्तों मजा आया, मतलब इतनी जो आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलती है ना, अगर आप किसी ऐसे सक्सेसफुल इंसान के साथ में खड़े हो और अगर वो आपको कुछ टिप्स दें, अगर वो आपको कुछ बातें बताएं कि यार लाइफ में आगे क्या करना है, या मतलब एक अगर आपको रास्ता दिख जाए ना, तो जो आपको दोस्तों मिलेगी एनर्जी वो बड़ी ही कमाल होगी। तो मतलब जो एक्सपीरियंस था ओवरऑल वो बड़ा मज़ेदार था, और ये खैर जो वीडियो आपने देखा व्लॉग, ये तो खैर बहुत एक छोटा सा हिस्सा था। एक और बड़ा दोस्तों वीडियो शूट किया है जो कि आने वाला है टेक्निकल गुरुजी चैनल पे बहुत ही जल्दी, तो उसका खैर आप कर रहा है इंतजार। और इसके अलावा दोस्तों इन बिटवीन खैर ये जो वीडियो था ये मैंने शूट किया था बॉम्बे में 11 जनवरी को, लेकिन इन बिटवीन हमने 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स दोस्तों जो है वो कंप्लीट कर लिया, मतलब हम सभी जो है वो मिलके हो गए हैं 3 मिलियन के पार। तो ऐसे में मेरी तरफ से आप सभी को भैया बहुत बहुत बधाई और साथ में बहुत बहुत थैंक यू आपके इसी प्यार और सपोर्ट के लिए। इसके अलावा दोस्तों आज है बहुत ही खास दिन, मैं इनफैक्ट मतलब ये जो वीडियो है वो एग्जैक्टली अभी जो आप देख रहे हैं उससे कुछ टाइम पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज दोस्तों है 26 जनवरी, हमारा रिपब्लिक डे, और आज है हमारा 71st रिपब्लिक डे। तो बहुत एक खुशी की बात है, काफ़ी प्राउड होता है कि हाँ हम इंडिया में पैदा हुए या हम इंडिया का हिस्सा है, और इसके साथ साथ उसमें एक जिम्मेदारी भी होती है कि हम हमारे देश को कैसे और आगे लेके जाएं या कैसे हम और कुछ कंट्रीब्यूट करें हमारे देश की प्रोग्रेस में। तो मेरा आप सभी से बस एक छोटा सा दोस्तों यही मैसेज है कि मतलब पॉजिटिविटी बनाए रखिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, अपनी तरफ से जितना बन पड़ता है, जितना जिस तरीके से बन पड़ता है, ज़रूरी नहीं कि हर एक इंसान जो है वो बॉर्डर पे जाके ही देश की सेवा कर सकता है। आप दोस्तों एक स्टूडेंट हैं, अगर आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो भी आप देश की सेवा कर रहे हैं, अगर आपकी एक कोई छोटी दुकान है अगर आप उसको चला रहे हैं अपनी पूरी ईमानदारी से तो भी आप देश की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे में कोशिश ये कीजिए कि देश की जो प्रोग्रेस दोस्तों है उसमें आपका एक योगदान रहे,
और मेरे ख्याल से दोस्तों हम सभी ये चाहेंगे कि जो इंडिया है वो और तेज़ी से आगे बढ़े, हम सभी लोग मिलजुल के एक साथ रहें। और ऐसे में ये दोस्तों जो बीच में दिन आते हैं, फिर चाहे वो 26 जनवरी हो, चाहे दोस्तों 15 अगस्त हो, चाहे 2 अक्टूबर हो, हम सभी को जोड़ते हैं ये दिन एक साथ। साथ दोस्तों मेरे ख्याल से हमको ना सीखना चाहिए उनसे, जैसे हमारे दोस्तों जो दादा परदादा थे, या दोस्तों जो मतलब आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे, जिन्होंने बिना कुछ सोचे अपना पूरा जो है दोस्तों जीवन वो देश के नाम कर दिया। तो हम तो उसके सामने खैर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस कोशिश ये कर सकते हैं कि हाँ एक ईमानदारी से अच्छी ज़िंदगी जिए और देश की प्रोग्रेस में जो है वो अपना थोड़ा सा एक योगदान रखें। बाकी तो दोस्तों खैर इंडिया महान था, महान है और महान ही रहेगा, जहाँ पे हम सभी मिलजुल के प्यार मोहब्बत से ऐसे ही देश का हिस्सा बने रहेंगे और आगे देश को बढ़ाते रहेंगे। तो दोस्तों खैर यही कुछ बातें थी, मुझे लगा आपसे कुछ शेयर करता हूँ। खैर जो एक्सपीरियंस था दोस्तों वो बड़ा ही मज़ेदार था विराट भाई से मिलने का, और आप दूसरा वीडियो खैर देखेंगे ही, 3 मिलियन भी हो गए बीच में और 26 जनवरी भी आ गई। तो छोटा सा व्लॉग है, इसमें कुछ वो धूम धड़ाका और म्यूज़िक तड़का वगैरह वो सब नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा दोस्तों। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सला सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना नहीं, रोज़ाना कहाँ होता है यार, हफ्ते में एक बार होता है, लेकिन ऐसी ही कमाल वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ दोस्तों। फिलहाल वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।